नमस्कार दोस्तों, आजकल अधिकांश लोगों के वैवाहिक जीवन से शांति गायब हो गई है और समय के साथ साथ पति पत्नी के बीच प्रेम भी कम हो रहा है। यहाँ जानिए कुछ ऐसी बातें जिनसे पति पत्नी के बीच प्रेम और शांति बनी रहे। बेडरूम में पति पत्नी को नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें। बेडरूम में न करें किसी तीसरे व्यक्ति की बात। पति पत्नी को बेडरूम में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एकांत में सिर्फ एक दूसरे की बात करें, किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़ी बात नहीं करनी चाहिए। एकांत में पति पत्नी स्वयं की बातें करेंगे तो विवाद की संभावनाएं कम हो सकती है। पुरानी गलतियों की बात ना करें। यदि पिछले समय में जीवन साथी से कोई गलती हो गई है तो उसका जिक्र बार बार नहीं करना चाहिए। जो बुरा समय बीत गया है उसके संबंध में बात करेंगे तो दुख ही प्राप्त होगा। पति पत्नी दोनों को एक ही समय पर नहीं होना चाहिए गुस्सा। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये बात ध्यान रखना चाहिए, जब जीवन साथी गुस्से में हो तो उस समय दूसरे को शांत रहना चाहिए। यदि पति पत्नी दोनों ही एक समय पर गुस्सा करेंगे तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। क्रोध की अवस्था में सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और व्यक्ति सही गलत का फर्क भी नहीं कर पाता। अतः क्रोधी जीवन साथी को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम के साथ रखे अपना तर्क। वैवाहिक जीवन में कई बार तर्क वितर्क की परिस्थितियां निर्माण होती है। पति पत्नी किसी एक विषय पर अलग अलग तर्क रखते हैं और वाद विवाद होता है। ऐसी स्थिति में ध्यान रखना चाहिए कि अपना तर्क रखे लेकिन प्रेम के साथ। अपना तर्क प्रस्तुत करते समय हमारे भाषा और हाव भाव में क्रोध और अहंकार नहीं होना चाहिए। शांति और प्रेम के साथ अपनी बात जीवन साथी के सामने रखेंगे तो झगड़े की नौबत निर्मित नहीं होगी। हर रोज जीवन साथी से कहे कोई एक अच्छी बात। सभी जानते हैं कि अपनी तारीफ सभी को पसंद होती है। खास तौर पर तारीफ जीवन साथी की करें तो विशेष खुशी मिलती है। पति पत्नी दोनों को हर रोज कम से कम एक अच्छी बात कहनी चाहिए। कुछ ही दिनों में इसका सकारात्मक असर दिख सकता है। आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। तनाव दूर करने का प्रयास करें। अक्सर कई लोग ऑफिस का तनाव घर लेकर आते हैं। ऑफिस में बॉस या किसी अन्य कर्मचारी के साथ विवाद का तनाव या काम में असफलता का तनाव, ऐसी परिस्थिति में पत्नी को पति का तनाव दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तनाव का कारण जानकर उसे दूर करने का सही रास्ता बताना चाहिए। पत्नी को एक अच्छी सलाहकार की भूमिका निभानी चाहिए। ये बात वैवाहिक जीवन में सुख और शांति के साथ ही प्रेम बढ़ाएगी। तो हमेशा ये बात याद रखें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी जानकारी वाले वीडियो लेकर जल्द प्रस्तुत रहूँगा। धन्यवाद।